अब देखिए कि जैसे कि स्ट्रिंग है, और जैसे कि हमको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी वैल्यू आउटपुट पर प्रिंट की जाती है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, तो अभी क्या है कि जैसे कि हमको प्रिंट कराना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, यहाँ पे मान ली लिख दिया ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हमने लिखा कि द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और ए को मैंने प्रिंट करा दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या कि जब हमको, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि ए इज इक्वल टू हार्ड, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा बी इज इक्वल टू वेयर, ठीक है ना। अब हार्ड क्या है, HARD, एक हार्ड एक स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। वेयर भी एक तरह का स्ट्रिंग है, ये भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब अगर हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, और यहाँ पे लिखा हमने ए प्लस बी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में प्रिंट होगा हार्ड वेयर, समझ में आई ना बात। दोनों स्ट्रिंग जो होंगी आपस में कॉन्कैटनेट हो जाएगी, मतलब दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। कॉन्कैटनेट का मतलब होता है जुड़ जाना, ऐड हो जाएंगी दोनों स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग का आपस में कॉन्कैटनेशन करते हैं तो इस तरह से हम लोग करते हैं। या फिर जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, यहाँ पे लिखा हमने जैक प्लस एंड सॉरी प्लस जिल, ये लिखा। तो ऐसे केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जैक एंड जी, ये आउटपुट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग को जब हम लोग प्रिंट कराते हैं तो कॉमा नहीं लगाते हैं, बल्कि हम लोग प्लस ऑपरेटर, बिल्कुल मैथमेटिकल प्लस ऑपरेटर है, उसी के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करा देते हैं, समझ में आई ना बात। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर यूज्ड इन आवर प्रोग्राम, या कितने तरह के कीवर्ड्स हमारे प्रोग्राम में, और कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इसको अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग ये समझिए कि व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। तो अभी इसको मिटा करके हम टाइप कास्टिंग के बारे में बताएंगे।